इस लेसन में अपन ब्यूटीफुल मूवी लापता लेडीज का सॉन्ग सजनी सीखेंगे। ये सॉन्ग अनदर हिट ऑफ अरिजीत सिंह है और वो तो कोई भी गाना गाते हैं हिट ही हो ही जाता है। ये गाना 80 BPM पे है एंड एज यूजुअल आई वुड रिकमेंड कि आप मेट्रोनोम का यूज कीजिए जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये गाना बिगिनर ड्रमर्स के लिए काफी अच्छा है क्योंकि इसमें जो बीट अपन यूज करेंगे वो थोड़ी सी इंटरमीडिएट टाइप है, तो अच्छा ट्रांजिशन है कि आप कुछ नया सीखेंगे इसमें। इसमें अपन फिल भी सीखेंगे तो ये काफी अच्छा है बिगिनर ड्रमर्स के लिए कि आप कैसे फिल को यूज करें। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द बीट मैं आपको काफी स्लोली प्ले करके बताता हूँ कि ये कैसा साउंड करेगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये बीट कैसी है। तो स्लो वर्जन में ये रहा साउंड। जब भी थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स आपको बीट कभी भी दिखे तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसको ब्रेक डाउन करें पार्ट्स में। तो इसमें अपन चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपन तीन पार्ट में। तो जब आप देख सकते हैं कि इसमें हाई हैट का यूज किया है फर्स्ट सेकेंड पे, फिर किक किया है यूज फर्स्ट और थर्ड पे, तो ये ऐसा साउंड करता है। फिर सेकेंड पार्ट को देखते हैं, अब उसमें भी अपन तीन पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि पहले दूसरे पे हाई हैट यूज किया है और फिर पहले पे स्नेयर और दूसरे पे दो बार जल्दी से किक यूज किया है लाइक दिस। पहले और दूसरे पार्ट को कंबाइन करेंगे तो ये ऐसा साउंड करता है। इसको आप मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको काफी इजी रहेगा ये। और इसमें जब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं तो उसमें अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, पहला में हाई हैट नॉर्मल और दूसरे पे, ये काफी सिंपल है। और फिर फोर्थ पार्ट में जब मूव करेंगे तो अपन स्नेयर और अपन हाई हैट पे करेंगे। और जिसको ओपन आई हैट प्ले करना नहीं आता है उसके लिए मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाया था, यू कैन चेक इट आउट हियर। और जिसको ड्रम नोटेशन पढ़ना नहीं आता है उसके लिए मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है, यू कैन चेक इट आउट हियर बिफोर स्टार्टिंग दिस। तो अपन सबको कंबाइन करेंगे तो ये ऐसा साउंड करेगा। और इसमें अगर और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो जो आपका बार जैसे फिनिश होता है तो अगला बार में जो पहला नोट रहता है इंस्टेड ऑफ हिटिंग हाई हैट आप सीधे क्रैश पे प्ले कीजिए तो उससे अच्छा ट्रांजिशन होता है। एंड जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि दीज ड्रम्स स्पेशली एकॉस्टिक आर टू लाउड और अगर आप ऐसा सुनते रहेंगे फॉर लॉन्ग टाइम देन इट कुड हर्ट योर ईयर्स, तो इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड वेयरिंग अ नॉइज सप्रेशन हेडफोन्स। So now we can play on the crash like... क्रैश पे प्ले करके उसको एकदम से म्यूट कर सकते हैं। और जो इसमें मैंने फिल का बताया था, फिल आप ये वाली यूज कर सकते हैं। Guys, for this tutorial, अगर इस tutorial से आपको थोड़ी भी help हुई, so I would appreciate अगर आप please like कीजिए and comment कीजिए, and अगर आपको कोई special request है, so please comment कीजिएगा।
और मैं कोशिश करता हूँ कि उन गानों पे मैं ड्रम्स कवर बनाऊँ, ट्यूटोरियल बनाऊँ, तो प्लीज हेल्प मी इन रिकमेंडेशन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.